अगले वीडियो में हमने कुछ गेस क्वेश्चन दिए थे सेमेस्टर फोर के लिए, जो अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होने वाला है उसके लिए। तो आज हम कुछ दो तीन शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग को परीक्षा के व्यू से हम वीडियो दे रहे हैं, इसमें आपको लोग फ़ायदा पहुंचेगा। जैसे लिखा है फॉर सेमेस्टर फोर 2021 के लिए शॉर्ट क्वेश्चंस, आपको वो जैसे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट सिलेबस में उसे पूछ सकता है कि व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, राइट द टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, या पूछेगा डिस्टिंग्विश बिटवीन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ए फेनोमेनन इन विच द एनर्जी ऑफ लाइट इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड, दोबारा डिस्ट्रीब्यूट हो, ड्यू टू सुपर इम्पोजिशन ऑफ टू वेव्स कमिंग फ्रॉम द टू कोहरेंट सोर्सेज इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के फेनोमेना में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कब, जब दोनों सुपर इम्पोज करता है तब। ये तो स्वाभाविक बात है कि दो आदमी लड़ेगा तो उसमें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस, माने इस घटना को कहते हैं इंटरफेरेंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, ये दो प्रकार का होता है। अगर इंटरफेरेंस की घटना होती है तो उसमें पॉजिटिव रिजल्ट भी आता है और नेगेटिव रिजल्ट भी आता है। तो जब पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है उसको हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब नेगेटिव रिजल्ट मिलता है तो उसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी कंस्ट्रक्टिव का मतलब हुआ बनाने वाला, डिस्ट्रक्टिव का मतलब हुआ बिगाड़ने वाला। अब जाइए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसको कहते हैं, ए इंटरफेरेंस इन विच वेव कमिंग फ्रॉम द कोहरेंट सोर्सेज शुड बी इन सेम फेज। यदि इंटरफेरेंस में जो सोर्स से वेव आ रहा है वो अगर सेम फेज में होना चाहिए तब उस इंटरफेरेंस को हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी बनाने वाला सेम फेज में, माने दोनों की मेंटेलिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तब उसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। जैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में के लिए उसमें इंटेंसिटी जो होगा सो मैक्सिमम होगा, जब मैंने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्रिया हुई तब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, और उस स्थिति में ब्राइट फ्रिंजेज फॉर्म होगा। अब आ जाइए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ए इंटरफेरेंस इन विच द वेव्स कमिंग फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्सेज आर इन अपोजिट फेज, अपोजिट फेज माने 180 डिग्री में हो, द इंटरफेरेंस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तब हम लोग उसको कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी बिगाड़ने वाला। इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इंटेंसिटी भी मिनिमम, एम्पलीट्यूड भी मिनिमम, और थ्री डार्क फ्रिंजेज आर फॉर्म, इसमें डार्क फ्रिंजेज फॉर्म होगा। तो अगर मान लीजिए कि आप लोग से अंतर पूछ दिया इसमें, तो आपको इसमें अंतर स्पष्ट लिख दिया गया, चार अंतर होगा, एक डिफिनेशन का अंतर हुआ और एक दो तीन ये अंतर इस टाइप से हुआ। तो ये हम लोग ने शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा तो आप इसका जवाब दे सकते हैं, 5 नंबर का रहता है, काफ़ी है इतना लिखना। अब दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन देखिए कि व्हाट इज डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, राइट द टाइप्स ऑफ द डिफ्रेक्शन, या डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्रेसनल्स डिफ्रेक्शन एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन, ये दोनों में अंतर स्पष्ट करें। डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट ए फिनोमेनन इन विच वेव ऑफ लाइट स्ट्राइक विथ द शार्प इरेज ऑफ ऑब्स्टेकल, देन लाइट बेंड्स एंड पेनिट्रेट द शैडो ऑफ द ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। देखिए ये ऑब्स्टेकल है, लाइट इसे टकराया, टकराने के बाद यह है जैसे पत्थर कैसे टकराता है इरेजर से तो इधर उधर भाग जाता है, उसी तरह लाइट जो है सो इस तरह से डिफ्रैक्ट हो गया। अब ये इसका ये शैडो है तो ये मुड़ेगा तो इस शैडो में यहाँ छेद करते हुए जाएगा, छेद करे हुए तो जहाँ छेद करेगा वहाँ हो जाएगा ब्राइट, जहाँ छेद नहीं किया वहाँ डार्क, तो इस तरह से डार्क ब्राइट फ्रिंज जो है सो इसमें पता चल जाएगा इंटरफेरेंस जैसा। तो इंटरफेरेंस में होता है कि टू वेव को इन वेव को सुपरपोजिशन किया जाता है और इसमें जो है इरेज से टकराया जाता है। तो दोनों में अंतर क्या है,
दोनों में अंतर क्या है कि उसमें इंटेंसिटी सेम रहेगा, इसमें इंटेंसिटी जो है सो डिक्रीजिंग है, यहाँ ज़्यादा रहेगा फिर कम फिर कम फिर कम। अब ये है टाइप ऑफ डिफ्रेक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफ्रेक्शन, एक को फ्रेशनल्स डिफ्रेक्शन कहते हैं, दूसरे को फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन कहते हैं। फ्रेशनल डिफ्रेक्शन ऐसा डिफ्रेक्शन, इन डिफ्रेक्शन इफ डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन इज फाइनाइट, फाइनाइट माने मेजरेबल हो, मापा जा सके, डिफ्रेक्शन इज कॉल्ड फ्रेशनल डिफ्रेक्शन। फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन, इन डिफ्रेक्शन इफ द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन इज इनफाइनाइट, यानी मेजरेबल नहीं हो, तो उस डिफ्रैक्शन को हम लोग कहते हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। इस तरह से इस वीडियो में दो शॉर्ट क्वेश्चन बता दिया गया है इजी फॉर्म में, और आगे भी वीडियो बनाया जाएगा जिससे आपको शॉर्ट क्वेश्चन ही हम बताएंगे।